राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर डीजी ठाकुर ने पुराने उपायुक्त भवन में स्थापित नए महिला थाने का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं जांची। इस अवसर पर डीजी ठाकुर ने महिला थाना में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। पुलिस अधिकारियों से विभिन्न पंजीकृत मामलों की भी जानकारी ली गई। वहीं थाने में उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि अभी तक थाने में 3 FIR दर्ज हो चुकी हैं और महिलाओं को बच्चों से संबंधित 25 के करीब शिकायतें मिली हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. डीजी ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि आयोग द्वारा संगणन डिजिटल साक्षरता अभियान आरंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कमी लाना है। आज मैं यहाँ पे थाने में विजिट कराई थी, तो वैसे तो कार्य सारा सुचारू रूप से चल रहा है। जो स्टाफ यहाँ पर है वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने पता लगाया है तो अब तक 3 FIRs हो चुकी हैं, जबकि थाने को खुले भी थोड़े ही टाइम हुआ है। यहाँ पे थोड़ी कमियाँ भी हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर SHO है वो एक महिला होनी चाहिए, परंतु वो अभी मेल ही है। यहाँ पर IOs की भी मुझे बताया गया है कि कमी है, और मुंशी भी मेल हैं। जबकि एक महिला जब आती है महिला थाने में तो उसकी उस प्रकार से प्रिपेयर होकर आती है कि महिला के पास जाएगी, तो ये थोड़ी सी एक कमी है। जबकि मुझे बात करके इनसे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से ये संवेदनशीलता से हर केस को देख रहे हैं और अच्छे से हैंडल कर रहे हैं पूरी सेंसिटिवली, परंतु फिर भी एक महिला का होना यहाँ आवश्यक है। तो धीरे धीरे ये कमियाँ भी पूरी होंगी। यहाँ पर लॉकअप की भी सुविधा भी नहीं है, तो थोड़ा सा ही समय हुआ है, तो धीरे धीरे हम भी अनुशंसा करेंगे सरकार से कि जल्द से जल्द यहाँ पे कमियों को दूर किया जाए। एनस्टार न्यूज़ के लिए सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट।